तो जब आप कागान से नारान की तरफ जाते हैं और जब आप कागान की तरफ जाते हैं तो आपको सस्पेंशन ब्रिज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि तारों लोहे की तारों से बने होते हैं। उसके अलावा लकड़ी से बने होते हैं, कोई सीमेंट बजरी का इस्तेमाल नहीं किया गया होता। और इन ब्रिज की खास बात तो ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ भी आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, तो ये बहुत मजबूत होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज इनको कहा जाता है और ये हर दूसरी किलोमीटर पर ये पुल बनाया गया है, जो कि दरिया को पार करने के लिए, दरिया कुनहार को पार करने के लिए बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे होटल्स भी मौजूद हैं, जो कि आप खाना वगैरह खा सकते हैं, कुछ आपने रिफ़्रेशमेंट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। इन रास्तों में बहुत ज़्यादा होटल्स आपको मिल जाते हैं, जिनमें ट्राउट के भी होटल मौजूद हैं, जो कि ट्राउट मछली आपको पकड़ के और ज़िंदा जो है वो हलाल करके और उसके बाद पका के आपको देते हैं, ताकि आप इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, ये पानी की आवाज़ आप चेक करें, कितनी खूबसूरत और दिल को बहलाने वाली आवाज़ है। ये दरिया कुनहार है जो कि बीचों बीच बहता है, कागान से शुरू होता है। आप कागान से जब भी नारान की तरफ जाते हैं या पीछे से आप जब भी नारान की तरफ जाते हैं तो इस दरिया के साथ साथ आपने चलना होता है, और ये दरिया जो है वो आपको नारान तक और आगे भी ले जाता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत दरिया है। उसके साथ साथ इसकी आवाज़ और पानी की स्पीड इंतहाई तेज़ है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसके अलावा अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एक डैम बन रहा है चाइनीज़ कंपनी की मदद से। ये यहाँ पे 3-4 डैम बन रहे हैं नारान में, तो इसी दरिया के ऊपर जो है वो, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसी दरिया पे 2-3 छोटे छोटे डैम्स भी बनाए जा रहे हैं और टर्बाइंस भी लगाई जा रही हैं। तो ये डैम जो है वो चाइनीज़ कंपनी की तरफ से बन रहा है, उनकी मदद से बन रहा है, और ये आप देख सकते हैं काम ज़ोरों शोर से जारी है और दरिया जो है वो दरमियान से गुजर रहा है। जब टर्बाइनों से पानी गुजरेगा तो उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है वो प्रोड्यूस होगी और काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा ये डैम। उसके अलावा पानी की स्पीड और पानी की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये आप सुन सकते हैं। हर बंदी
दोस्तों ये वीडियो कागान से नारान पर मबनी थी और कागान से नारान तक का सफ़र मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो नेक्स्ट जो होगी वीडियो वो नारान से सैफुल मुल्क तक की होगी और नारान बाज़ार की होगी कि नारान का बाज़ार कैसा है, उसके अलावा नारान से सैफुल मुल्क तक का रास्ता कैसा है, सैफुल मुल्क झील कैसी है। उसके बाद हम जाएंगे नारान से बाबूसर टाप और लुलसर लेक की तरफ। तो ये वीडियो नारान तक की थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ड्राई फ्रूट भी लगा हुआ है इधर, वो देखो नारान, वेलकम टू नारान। ये तो दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं ये है नारान सिटी। तो नारान सिटी काफ़ी खूबसूरत है और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नारान सिटी का टूर करवाएंगे और उसके साथ ही हम सैफुल मुल्क दिखाएंगे, लुलसर लेक दिखाएंगे, बाबूसर टाप दिखाएंगे। इस तरह ही ये पार्ट्स वाइज वीडियोज़ इसी चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए।